कुछ उलमा कहते हैं कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। देखिए, कुर्सी पर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि असल जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि नमाज हर हालत में आपको पढ़नी है ऑन टाइम। ये हर मुसलमान पर फर्ज है, पांच वक्त नमाज बैठ कर, उठ कर, लेट कर, हर तरह से पढ़ना जायज़ है। अब जो उलमा कहते हैं कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, अब मेरा उनसे ये सवाल है, जब वो कहते हैं कि जायज़ नहीं है, तो एक शख्स जो कुर्सी पर बैठ रहा है उसका बैठने का मकसद ही यही है कि वो ज़मीन पर बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकता। अगर वो ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ेगा तो देन उसके लिए मुश्किल होगा ज़मीन से उठ खड़ा होना। तो कुर्सी पर बैठ के जो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि कुर्सी पर अल्लाह की इबादत की जाए और वहाँ से आराम से वो खड़े हो सकें। अब अगर वो ज़मीन पर बैठ जाएंगे, अब उलमा साहब के हैं कि वो खुतबा छोड़ कर आन के उनको उठाने आएंगे, अब मस्जिद में ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं। तो इस तरह कुर्सी पर पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ है, क्योंकि अक्सर पॉइंट को ये नोट करना चाहिए कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, बैठ कर पढ़ें, लेट कर पढ़ें या खड़े होकर पढ़ें। अगर वो खड़ा नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ें, अगर वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो ज़मीन पर बैठ बैठ के पढ़ें, अगर ज़मीन पर बैठ के नहीं पढ़ सकता तो कुर्सी पर बैठ के पढ़ लें, अगर कोई झुक नहीं सकता तो खड़े खड़े भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर कोई लेटा हुआ है अगर वो बैठ नहीं सकता तो लेटे भी नमाज़ पढ़ सकता है। तो नमाज हर हालत में फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें ये पॉइंट का ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा हम अल्लाह की खातिर सेक्रीफाइस करेंगे दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये नहीं कि थोड़ी सी बॉडी में दर्द हुई है तो बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया, अब थोड़ी सी दर्द हुई है तो लेट के पढ़ना शुरू कर दिया। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज़ दैट कि आपको मैक्सिमम अल्लाह का रिवार्ड हासिल करना है। अगर आप बैठ सकते हैं, अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर नमाज़ पढ़िए, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ के नमाज़ पढ़िए। अब ये नहीं कि कोई खड़ा भी हो सकता है और वो बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर कोई बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है वो लेट के नमाज़ पढ़ रहा है, तो इस तरह ये नमाज़ कबूल नहीं होती है। कबूल तब होगी जब आपको कोई क्रिटिकल कंडीशन होगी, देन आपकी वो नमाज़ कबूल होगी। अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो समझो आपका रिवार्ड भी कम हो रहा था, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी नमाज़ भी कबूल ना करे, क्योंकि आप जो काम खड़े होकर कर सकते थे, बैठ के कर सकते थे, आप उसको आप समझें कि शैतान ने आपके अंदर कमज़ोर ईमान होने की वजह से आपको लेटे पढ़ा दी या सोफर बैठ के पढ़ा दी। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करें, अपनी नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा खुशो खुशो बनाएँ, तो कुर्सी पर पढ़ना बिल्कुल जायज़ है।